जिले के गांव नाहरगढ़ में नवनिर्वाचित सरपंच व सचिव ने सरकारी जमीन पर लेआउट किए बिना पट्टे, जिस पर भक्तों व नगर के युवाओं ने विरोध किया है। गौरतलब है कि इन दिनों दूधेश्वर महादेव मंदिर के सामने वाली जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए पट्टों पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। बीते दिनों मकान निर्माण कार्य को लेकर दूधेश्वर महादेव के भक्तों एवं नाहरगढ़ के युवाओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसी के चलते नायब तहसीलदार दीपिका परमार नाहरगढ़ थाने की पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार ने सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव पटवारी से चर्चा की, इसके बाद आमजन को सुना। सभी चर्चा उपरांत नायब तहसीलदार ने पटवारी सचिव को जमीन का लेआउट कराने के निर्देश दिए। जो मकान बनाए जा रहे हैं हैगिंग उसको नक्शे मान से बनाया जाए ताकि कम जगह से अच्छे और सुरक्षित मकान बने, उसके पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए और वह भी नियम अनुसार। इधर मामले में आमजन ने अधिकारियों से मांग की है कि जो पट्टे दिए गए हैं उन पर एक बार पुनः जांच की जाए, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको पट्टे दिए गए हैं और पात्र इसमें अब तक अछूते हैं। आमजन की मांग पर अधिकारियों ने पट्टों की पुनः जांच करवाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मामले में जल्द उचित कार्रवाई नहीं होती तो मामले के और अधिक तूल पकड़ने की संभावना बनेगी। शासकीय आबादी घोषित है, उस पर हम लेआउट बनवाना चाह रहे थे, तो जब लेआउट बनाने के लिए टीम वहाँ पहुँची तो नाहरगढ़ के जो निवासी हैं उनके द्वारा थोड़ी आपत्ति ली गई थी, तो मैं मौके पे पहुँची, उनकी बातें मैंने सुनी और उसमें जो निराकरण हो सकता था हमने किया और अब सब कुछ ठीक है। अपात्र को भी यहाँ पट्टा देने की बात सामने आई है, तो उस पर क्या आपने? हाँ, जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ मकान बने हैं जिनको पट्टे नहीं दिए गए हैं और अपात्र लोग हैं, तो उसमें हमने जाँच करने के निर्देश दिए। जांच के लिए अभी हमने पटवारी और सचिव दोनों को कहा है कि वो ग्राम पंचायत के भी दस्तावेज देखें और मौके की स्थिति देख के और उन लोगों से भी पट्टा है अगर उनके पास, वो किस आधार पर उन्होंने मकान बनाया है, ये सारे दस्तावेज चेक करके मुझे प्रतिवेदन दें।